नमस्कार, हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत है समूर कला जलाशय। रेतीली पहाड़ियों के बीच बांध बनाकर जल शक्ति विभाग ने न केवल जंगल में मंगल कर दिया है, बल्कि बांध से आगे तलहटी में खेती बाड़ी कर रहे किसानों को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे खेतों में उत्पादन बढ़ेगा और बारिश पर निर्भरता भी खत्म होगी। फिलहाल देखते हैं इस खूबसूरत जलाशय का नजारा, जो जल्दी ही एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। ऊना हमीरपुर सड़क मार्ग पर ऊना से करीब 8 किलोमीटर दूर समूर कला गाँव के पास एक बरसाती नाले पर जल शक्ति विभाग द्वारा ये खूबसूरत बांध बनाया गया है, जिसमें अब लबालब पानी भरा है। इतना ही नहीं, इसके आसपास के जंगलों में रहने वाले जानवरों और परिंदों के लिए भी ये जलाशय प्यास बुझाने और जल क्रीड़ा का केंद्र बन गया है। आज हम आपको एक नया स्पॉट दिखाने वाले हैं। है तो ये बहुत गर्म इलाका, लेकिन यहाँ पर एक झील आपको दिख रही होगी मेरे पीछे, बहुत खूबसूरत झील बन के उभरी है। चारों तरफ पहाड़, बीच में यह झील, और ये स्थान ऊना से मात्र 8 किलोमीटर दूर हमीरपुर ऊना मार्ग पर स्थित एक गांव समूर से आगे जोगी पंगा का जो स्थान है, उससे पहले ये स्पॉट है। यहाँ पर एक यू टर्न है, यू टर्न मतलब बहुत शार्प टर्न है, और उस टर्न पर एक डैम बनाया गया है, जिसके कारण ये बैक वाटर्स, इधर देखें अगर आप देख पाएँ तो वो दूर तक ये आगे चला जाता है पानी, काफ़ी आगे तक, करीब 1 किलोमीटर तक ये पानी यहाँ पर स्टोर हुआ है। और कितनी चिलचिलाती जो धूप है, गर्मी का मौसम है, मई का तीसरा हफ्ता चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पानी भरपूर मात्रा में है। इस पानी का इस्तेमाल आगे सिंचाई के लिए होगा, कैसे होगा, उससे किसानों को कितना फ़ायदा होता है वो आगे की बात है, लेकिन ये स्थान एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभर सकता है। तो देखें, वो सामने हाईवे है, चंडीगढ़ ऊना की तरफ निकल जाता है, और यहाँ पर डैम एक अद्भुत क्रिएशन है, रियली वंडरफुल। राजीव, इनको दिखाएं आप, पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं और चारों तरफ का नज़ारा। और बड़ी बात यह है कि जंगल है, बहुत ही खूबसूरत। वो जो हिल टॉप है, वहाँ पर भी आपको ऊपर गाड़ी दिख रही है जाती हुई। ये स्थान, ये हिल टॉप से उधर को ये रास्ता निकल के इधर ही आएगा, बहुत खूबसूरत। और देखिए, पानी में शिकार करने वाले परिंदे भी अब यहाँ पर दिखने लगे हैं, बेहद खूबसूरत। ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा, देखिए आप, ये डैम, और ये बहुत खूबसूरत झील बहुत दूर तक, बहुत ही सुंदर। बस अब ज़रूरत है कि इसको कैसे संभाला जाए, कैसे सहेजा जाए और इसकी सुंदरता बरकरार रहे, क्योंकि जहाँ भी खूबसूरत चीज़ दिखती है या अच्छी चीज़ होती है, वहाँ लोगों का आना जाना बढ़ता है, और आने जाने वाले लोगों में ये आपको आवाज़ सुन रही होगी, ये मोर यहाँ पर बहुत हैं, उनकी आवाज़ है। ये बेहद खूबसूरत झील, लेकिन दुखद पहलू ये है, आपको दिखाएं, इस झील के इस पास, इस पहाड़ी पर ये प्लास्टिक गंदगी, जैसा कि रूटीन होती है लोगों की, ये गंदगी, ये खाली बोतलें इस बात की गवाही हैं कि हम बाज नहीं आएंगे। आप जितना मर्जी खूबसूरत बना लो, लेकिन गंदगी फैलाना जो है, उससे हम बाज नहीं आएंगे। यहाँ पर बहुत सारी गंदगी फैलाई गई है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से इसको उठाकर कहीं डस्टबिन में पहुँचा दें। तो इसी के साथ चलते हैं। तो मनोज, राजीव,
अब पकड़े हैं मैं इसको, जरा इस सामान को समेट देता हूँ ताकि इसका बैग में मिल जाएगा कोई ना कोई बड़ा। और तो भाई लोग बाद में भी आए कितना सा ख्याल रख लें कि यार आपकी का है कि पापा भी मिल गया है और हम उसको डाल लेंगे सामान को और कहीं गिरा कर इसको पैक डस्टबिन में ऐसे ये बॉटल ला जाएगी आ जाएगा सब सामान आ जाएगा इसमें चिंता ना करें आप। इतना सा काम हम लोग कर रहे हैं तो शायद ये स्थिति खराब ना हो। तो आप देखिएगा फर्क कितना है, यहाँ पहले गंदगी थी सफाई दर्दनाक है। ये हम लगा रहे हैं यहाँ से, इसको उधर फेंक देंगे डस्टबिन में ताकि बाय कर दो। ठीक है बाय सी यू। ये रहा बहुत ही खूबसूरत और उधर और इधर ये खूबसूरत पानी और ये रहा तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।